और सब गाइस कैसे हैं सब लोग। आज वीकली लॉकडाउन है सैटरडे संडे का और मुझे किसी काम से बाहर जाना पड़ रहा है और वो मैं आपको बाद में बताता हूँ क्यों मुझे बाहर जाना पड़ रहा है, कंपलसरी है। और मिलते हैं आपको रास्ते में। तो यो गाइस कैसे हैं आप लोग। जल्दी में था मॉर्निंग में, मैंने आप लोगों को बोला था मैं बाहर जा रहा हूँ, लेकिन क्यों जा रहा हूँ ये मैंने मॉर्निंग में आप लोगों को नहीं बताया था। इस वजह से मैं आज वीकली लॉकडाउन के दिन यानी सैटरडे मैं इस वजह से निकला क्योंकि आज मुझे एक कोविड टेस्ट करवाना था और एक और मुझे एक टेस्ट करवाना था जो कि अब मेरा हो चुका है यहाँ पे। अब मैं यहाँ से सीधे घर के लिए निकल रहा हूँ। और दूसरी चीज़ एक ये भी मैं बताना चाहूँगा कि सुबह मैं लेट उठा था, इस वजह से रास्ते में भी किसी तरह का कोई भी बात आप लोगों से नहीं की। आप लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और मास्क पहनिए। बाहर निकल रहे हैं मास्क पहनिए और भीड़ का हिस्सा मत बनिए। तो गाइस चलते हैं, आपको बाहर का भी कुछ सीन दिखाएंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मॉर्निंग में तो खैर नहीं दिखा पाया था। और रही मेरे टेस्ट की बात, टेस्ट शाम तक या कल तक मुझे पता चल जाएगा रिपोर्ट क्या आई। मेन बात है कोविड टेस्ट मुझे इस वजह से कराना पड़ा कि मुझे जो दूसरा एक टेस्ट करवाना था उसकी वजह से। मैं यहाँ भी बिना मास्क के जो है बहुत तगड़ा सा चालान कट रहा है। सो आप घर से बाहर निकलें तो मास्क पहन के ही निकलें और बेवजह ना निकलें। ये मैं सिर्फ वीकली लॉकडाउन के लिए नहीं वैसे भी बोल रहा हूँ, अगर कोई ज़रूरी काम नहीं है तो घर से मत निकले। सारी मार्केट ये हम इस समय मेडिकल कॉलेज के पास में हैं, आप देख सकते हैं कि सारी मार्केट क्लोज हैं, मेडिकल स्टोर्स खुले हुए हैं, बाकी अदर शॉप्स नहीं खुली हैं। ओह सॉरी, मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई है, सीट बेल्ट मैं लगा लूँ, पता चला यार चालान कट जाए। सामने रिक्शे वगैरह भी खाली जा रहे हैं, सवारी नहीं है, बेचारे ये लोग पता नहीं किस तरह से अपना काम चला रहे होंगे।
वैसे बिना मास्क के बिल्कुल भी बाहर ना निकलें। ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी सेफ्टी प्रिकॉशंस यूज़ कर सकते हैं उतने यूज़ करें। और बाकी बेवजह बाहर ना निकलें, क्योंकि लखनऊ की कंडीशन इस समय आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा गंदी तस्वीर इस समय कोविड को लेकर लखनऊ की है कि हम किसी को कुछ बता नहीं सकते हैं भाई। न्यूज़ में आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि न्यूज़ में आंकड़े गलत आ रहे हैं। अभी कल मैं गया हुआ था हाईकोर्ट साइड में, जब उधर से मैं वापस आ रहा था तो जहाँ दाह संस्कार होते हैं भैंसा कुंड के पास में, भैंसा कुंड में, मतलब मैंने देखा कि वहाँ पर किस तरह से डेड बॉडीज, उनके परिजन, मतलब वो लोग जो हैं इंतज़ार कर रहे थे कि कब हमारी बारी आएगी, कब हमारे अपनों की, मतलब यार मैं क्या बोलूँ, कुछ बोल भी नहीं पा रहा हूँ ऐसी स्थिति में। मतलब इतनी गंदी तस्वीरें यहाँ पे, अब इससे ज़्यादा क्या ही कहा जाए यार। कुछ लोग सोचते हैं यार ये तो पूरी दुनिया है, सब कुछ सब इसी तरह का, ऐसे सब लोग सोचते हैं भाई। लेकिन एक बात और कहूँगा, वैसे तो पूरी दुनिया ही है ये, लेकिन आप अपने परिवार के लिए उनकी दुनिया है। सो प्लीज़ जीवन को जो है इस तरह ज़ाया मत होने दें। जैसा कि मैं अभी तो देख पा रहा हूँ यार, जगह जगह पर जो है बस सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। गाइज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यार चैनल नया है इसे हेल्प करो ग्रो करने में, दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब सब लोग यार हेल्प करो, ताकि जो है आपका भी ये भाई जो है बढ़ सके। वैसे तो मेरे कई प्लान्स थे आपकी बार मई जून में, यह था कि मेरा प्लान था 25 अप्रैल से और लास्ट जून तक मैं काफ़ी हिल स्टेशंस कवर करने वाला था, जिसमें से मैं मेरे मोटो व्लॉग भी होते और सोलो राइड भी होती और एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत कुछ करने वाला था, लेकिन इस कोविड की वजह से सारे प्रोग्राम जो है फ्लॉप हो गए। यह हो शनिदेव महाराज, सबकी रक्षा करो इस महामारी से। फिर मेरा एक फ्रेंड यहाँ पर रहता है, हालांकि मैं सिर्फ अभी उसे कॉल करूँगा, कॉल क्या करना है, वो तो सामने ही बैठा हुआ है। क्या हाल चाल है? हाँ टेस्ट करवा के आ रहे ना। अब कहा चाह रही हो, कब पॉजिटिव आ जी मेडिकल कॉलेज आ रहे हैं। A few moments later. सो गाइस, वैसे मेरा मूड गाड़ी से उतरने का नहीं था, लेकिन मैं जिस फ्रेंड से मिलने आया था किसी के साथ लड़ाई हो गई थी, वहीं पे एक बंदा बैठा था,
और बात सी कोई बात नहीं थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या हो गया यार। हालांकि मतलब बस आपस में ही दोनों लोगों ने एकदम से लड़ लिया यार, एक मोबाइल को लेके। लेकिन खैर उस बंदे को भी समझना चाहिए था, वो मोबाइल नहीं देना चाह रहा है तो आखिर क्यों ज़बरदस्ती उसके साथ कर रहे थे। सो गाइस, लड़ाई झगड़े से दूर ही रहा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो गाइस चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सो गाइस प्लीज़ आप जो है थोड़ी सी हेल्प कीजिए चैनल को ग्रो करने के लिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और दबा के सपोर्ट कीजिए ताकि आगे आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लाएं। और इंस्टाग्राम, फेसबुक, इस पर आप मुझे फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, आप लोगों के समय सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। सो ओके, बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी ही।